आए होंगे और शायद आप रूम भी नहीं पहुंच पाए होंगे, उसके पहले आपको मिरेकल ऑफ लिटरेचर के इस यूट्यूब चैनल पर आपको आंसर की मिल रही है जो पेपर 10 से रिलेटेड होगा। हम लोग इस वीडियो में पेपर 10 से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज था उसका आंसर करने वाले हैं। इसके साथ साथ मिरेकल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर यानी कि मिरेकल इंग्लिश क्लासेस में क्लासेस कब से चलेगी, सेमेस्टर 5 को लेकर किस किस तरह से स्टडी होगी, इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए हम लोग विदाउट लेट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके कौन कौन एमसीक्यू सही है ये आप तुरंत मिला लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर वन में कहता है व्हेन वाज लिरिकल बैलेड पब्लिश्ड, लिरिकल बैलेड को कब पब्लिश किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर 1798। ये 1798 में पब्लिश किया गया था और ये पंडित सर काफ़ी टाइम से रिपीट कर रहे थे कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में 100% श्योर है कि आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर टू में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर टू कहता है कि हु वाज कंपोज्ड, कुबला खान को किसने लिखा है, किनके द्वारा लिखा गया है, तो बी इज द राइट आंसर कॉलरेज, एसटी कॉलरेज इसका हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर आपका चलेंगे हम लोग थ्री में। क्वेश्चन नंबर थ्री में कह रहा है कि माई लास्ट डचेज इज ये, जो माई लास्ट डचेज है इसको ये क्या है, एक तरह का ये ड्रामेटिक मोनोलॉग्यो है। क्वेश्चन नंबर हम लोग फोर में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर करता है ओड टू द वेस्टर्न विंड इज रिटन बाय, जो ओड टू द वेस्ट विंड है इसको कौन लिखा है, किनके द्वारा लिखा गया है, तो पीबी शैली के द्वारा लिखा गया है, तो हो जाएगा चौथा का आपका ऑप्शन ये इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फाइव में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव कहता है कि क्यून बैक्टीरिया सक्सेसेड टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड इन द ईयर ऑफ, तो ये क्यून बैक्टीरिया जो है कौन सा ईयर में इंग्लैंड में थ्रोन हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाँचवा का सी इज द राइट आंसर 1837 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रेफ्लड बिल्स वर पास्ड इन द ईयर ऑफ, रेफ्लड बिल जो है पास कब हुआ था, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 1832 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका ये कहता है सातवां में कहता है रॉबर्ट ब्रॉडलिंग वाज बोर्न ऑन, तो रॉबर्ट ब्रॉडलिंग जो है ये इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो लंदन में हुआ था, ऑप्शन ये इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन कहता है सफरिंग इज परमानेंट ऑब्स्योर एंड डार्क एंड शेयर्स द नेचर ऑफ इन्फिनिटी, हु वाज रिटेन एबव दिस लाइन, इस लाइन को किन्होंने लिखा है, आठवां नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, वर्ड्सवर्थ ने इस लाइन को लिखा है डियर स्टूडेंट्स। हम लोग क्वेश्चन नंबर नाइन में चलेंगे। क्वेश्चन नाइन कहता है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पब्लिश इन, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है इसको कौन पब्लिश कब पब्लिश किया गया था, तो क्वेश्चन नंबर नाइन का बी इज द राइट आंसर 1859। क्वेश्चन नंबर टेन में चलेंगे जो आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कहता है द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम इज रिटेन बाय, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीबी शैली के द्वारा ये लिखा गया था। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका जितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये क्लियर हो चुका है। लॉन्ग क्वेश्चन में जो भी बताया गया था भी पंडित सर के द्वारा गेस किया गया था, वही सारे क्वेश्चन आए हैं, आप मिला भी सकते हैं, आपको जो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर ये क्वेश्चन भी पंडित सर भी गेस किए थे, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में है जो ओड टू द नाइटिंगेल से क्वेश्चन आया हुआ है, मेमोरियम से क्वेश्चन आया हुआ है, और लगभग जो भी गेस किए थे सर उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आपको बताना चाह रहे थे अब कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस आपके लिए, इंपॉर्टेंट नोटिस ये थी आपके लिए कि सेमेस्टर फाइव की क्लासेस के बारे में अभी पंडित सर के द्वारा जो क्लासेस कंडक्ट करवाई जाती है इसकी क्लासेस 1 अक्टूबर से चलेगी। कब से चलेगी, 1 अक्टूबर से क्लासेस चलेगी सेमेस्टर फाइव की, जिसमें अब क्या है कि स्टूडेंट को नोट्स के साथ साथ उसको रिटेन यानी लिखवाया भी जाएगा, नोट्स भी दिया जाएगा, प्लस में जितना सारा एक स्टडी का मटेरियल होता है सारे प्रोवाइड किए जाएंगे, यहाँ तक कि ऑनलाइन क्लासेस की भी फैसिलिटी की सुविधा में भी मिल सकती है, ये चांसेस है लेकिन सियोर नहीं है। और बात करें कि आपको पता ही कि झारखंड जैसे झारखंड में भी CUT से टफ एग्जामिनेशन को लागू किया गया है, तो CUT के लिए भी आपको अलग से क्लासेस के लिए सुविधा दी जाएगी, यानी वैसे विद्यार्थी जो अपना एकेडमी का तैयारी करेंगे यानी सेमेस्टर फाइव का तैयारी करेंगे, यदि आप सेमेस्टर फाइव का तैयारी करना चाहते हैं तो सेमेस्टर फाइव की आपकी स्पेशल क्लासेस चलेगी, यदि आप चाहते हैं कि ओनली CUT की तैयारी करें तो उसके लिए CUT की भी तैयारी होगी। इसके साथ साथ में आपको CUT का भी क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा और एकेडमिक ईयर जो है सेमेस्टर फाइव उसको भी करवाया जाएगा, CUT की भी करवाया जाएगा। तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, अधिक जानकारी के लिए मिरेकल ऑफ लिटरेचर यानी भी पंडित सर डायरेक्टर से संपर्क कर सकते हैं, किसी भी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हालांकि आप ये कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही हुए। डैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू।